नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वाट, ठीक है ना। और में से मतलब दोनों होता है, भाग में क्या होता है आप लोग सुनते होंगे, जब दो तीन लड़के हुए करता है ज्यादा तो सोचता है भाई क्या हुआ, यानी हार्ट आर द मैटर, नो हार्ट इज द मैटर। तो आपने जो सुना हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो डायरेक्ट आंसर ये, लेकिन ये हुआ किसके अनुसार जरा सा हार्ट ब्लैंक स्पेस। और अगर आपने कल का क्लास किया था तब किसी ने पूछा कि क्राइटेरिया क्या था, क्राइटेरिया क्या है ईज और आर, तो अभी समझ में आ रहा है कि कल के क्लास में सर ने बताया था कि ये आपका सफिक्स चेंज करने की वजह से पुनर्नाम हुआ है, तो पुनर्नाम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आंसर क्या होगा आर होगा। यानी निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि भाट के अकॉर्डिंग होता तो दोनों जगह पे एक ही चीज होता, यानी भाट के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है कुछ, इसके अकॉर्डिंग हो रहा है नाम के अकॉर्डिंग। ओके चलिए, तो भाट का जो वर्ब होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है, और किसके अकॉर्डिंग नाम के अनुसार, नाम के अनुसार रखिएगा। और समझने के लिए आपके पास ये दो एग्जाम्पल्स काफी अच्छे हैं कि क्या बात हो गई, तो भाट इन द मैटर, क्या क्या मानक रखे हैं, तो भाट आर द क्राइटेरिया, भाट के अनुसार नहीं हो रहा है, आपके नाम के अनुसार हो रहा है। अब तो ये था आपका भाट, उसके पहले आपने क्लियर किया था, और अब आइए नेक्स्ट तीसरा, और ये आपके पास में है द नंबर ऑफ। कुछ लोग इसको एडजेक्टिव भी समझते हैं, लेकिन समझने से कुछ नहीं होगा, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये अपने आप में ही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया है, कैसा नाम, प्रोनाउन, इसका नाम पड़ गया प्रोनाउन। इसके बाद हम लोग नाउन अक्सर देखते हैं कि प्लुरल नाउन होता है, लेकिन चूंकि ये खुद ही प्रोनाउन है, यानी ये खुद ही सब्जेक्ट है, और प्रोनाउन होने के साथ साथ सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, प्रोनाउन सब्जेक्ट वो ही सिंगुलर, इसके बाद प्लुरल नाउन रहेगा, लेकिन वर्ब हमेशा रखना पड़ेगा आपको सिंगुलर, ठीक है। कभी भी प्लुरल वर्ब नहीं, बहुत फेमस है ये, सबसे ज्यादा आज तक एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन वैसे रहा है, अगर द नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ से क्वेश्चन आया है तो सबसे ज्यादा यही से आया है। चलिए देखिएगा एग्जाम्पल इसका, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उसके बाद दिखाते हैं बाय द वे 60, ऑप्शन है एज और दूसरा ऑप्शन है आर। अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ाया गया होता कि द नंबर आपका वर्ब लेता है सिंगुलर, तो भी हम बता सकते थे कि यहां सिंगुलर वर्ब आएगा कि प्लुरल वर्ब आएगा, कैसे, चलिए बात करते हैं। मैंने पूछा 60 क्या, तो कोई कहेंगे कि यह संख्या है, कोई कहेंगे नहीं सर स्टूडेंट है ना, तो मैंने कहा स्टूडेंट नहीं है भाई, स्टूडेंट की क्या है, संख्या है, यानी हर हाल में हमको जवाब सही लगेगा कि छात्र ही है, लेकिन 60 छात्र की संख्या बोलना ज्यादा अच्छा है, और नंबर हम एक बोले या 100 बोले या 1000 बोले, ये सब अपने आप में क्या है, एक एक ही नंबर होता है, और जब ये सिंगल नंबर होता है इसका मतलब होगा ये सिंगुलर। अब इतना नहीं समझना चाहते हैं तो रट्टा मारिए, अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है कि 60 इज अ नंबर सो वर्ब इज सिंगुलर। आप किसी ने मजाक नहीं कर लिया, ठीक है, द को हटाओ तो जरा, और आपने ताकि जगह कहा ये तुम, तो आप कहोगे ना कि अब इसमें चलेगा कौन, प्लुरल, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब। एग्जांपल देख लेते हैं, ए नंबर हो गया आपके पास में और स्टूडेंट्स हो गया,
प्लैंक स्पेस हो गया, ज्वाइंट हो गया माय यूट्यूब चैनल, प्रमोशन थोड़ा कर लिया हो उसने, अगर अच्छा लग रहा हो पढ़ाई करने तो। चलिए तो नंबर आपका स्टूडेंट ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल, कि काफी स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया, मुझे इसमें पता ही नहीं है कि कितने स्टूडेंट ने ज्वाइन किया। इसका मतलब है कि एक से ज्यादा स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, तब तो हम बोल रहे हैं कि कितने ही स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, तो एक से ज्यादा का सेंस लग रहा है, लेकिन संख्या कितना पता नहीं है। इसलिए अगर हैव और हैज में से ऑप्शन डिसाइड करना होता तो मेरा आंसर हो जाता है। चलिए समझ में आ गया कि नंबर का पता नहीं, इसलिए भाव एक से ज्यादा सेंस के कारण प्लूरल हो गया है। चलिए नाउन सिंटैक्स आपने पढ़ा, आर्टिकल सिंटैक्स, एडजेक्टिव सिंटैक्स और प्रोनाउन सिंटैक्स, यानी कि आपको मिला जुला करके चार टाइप्स के सिंटैक्स मैंने स्टडी करा दिया है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पहला वीडियो के साथ अपलोड किया गया था, कुछ लोगों ने अभी तक उसको नहीं बनाया और नहीं देख पाए हैं, इस वजह से हम अभी अगला पीडीएफ आपको प्रोवाइड करना थोड़ा सा रोकते हैं। इसका हम कंपाइल करके एक ही बार पीडीएफ नेक्स्ट जो आपका थर्ड क्लास होगा सिंटैक्स का कल उसके साथ प्रोवाइड कर देंगे। जब तक आप फर्स्ट वीडियो के साथ प्रोवाइड किया गया पीडीएफ है आप उसे बना सकते हैं। और मैं फिर से बता दूं कि आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाता है टेलीग्राम में चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे से देख कर उसे ज्वाइन कीजिए, या फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम। चलिए हम लोगों को अब नेक्स्ट जो करना है थोड़ा सा 2 मिनट का क्लास। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाए थे डाउन फ्रेंच, अब आपको मैं पढ़ाता हूँ डाउन के 2-3 इडियम्स, ताकि इस लॉकडाउन में आपको डाउन डाउन जो वर्ड है जिसे आप खूब से कहते हैं थोड़ा सा पसंद भी आने लगे। तो चलिए पहला इडियम्स आपका आज का डाउन एंड आउट। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे, जो हम लोग हिंदी में बहुत पसंद आते हैं, ठीक है। डाउन एंड आउट, अब जरा सब ध्यान दीजिएगा, डाउन है इसका मतलब नीचे है, आउट का मतलब है कि एकदम सब कुछ निकल गया है, यानी लग रहा है कि किसी गुल्लक में हम पैसे जमा करते थे और उसमें मैं हाथ डाल के नीचे से भी सारे पैसे निकाल दिए हैं, यानी अब कुछ नहीं मेरे पास रहा है। तो डाउन एंड आउट का मतलब हो रहा है क्या, एक भी पैसा नहीं बचा, यानी विदाउट मनी। इसका हिंदी से सब लिखेंगे तो होगा क्या, पूरी तरह क्या चीज हो जाएगा, कंगाल, या सिर्फ आप कंगाल भी कह सकते हैं, जिसने कंगाल के सारा गुल्लक निकाल दिया पैसा, ठीक है। तो डाउन एंड आउट यानी क्या हो गया, विदाउट मनी, जिसके पास एक भी पैसा नहीं बचा है, सही, पूरी तरह से कंगाल। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है डाउन इन द डंप्स, डाउन इन द डंप्स, इसका मतलब देखिए फिर से, नीचे है इंसान और डंप का मतलब इतना नीचे गिर गया है कि अब बेचारा ना गूंगा हो गया है, कहीं पे भी जाता है तो कुछ बोलता ही नहीं है, क्या ऐसा हुआ उसके साथ, तो कुछ तो जरूर है जिसके वजह से वो एकदम नीचा अपने आप को मानने लगा है, एकदम गूंगा सा बन गया है, ऐसा वो डंप होता है, वी होता है, हम इसको रिलेट कर लेते हैं। इसका मतलब पहले इंग्लिश में आ रहा है स्टूडेंट क्या, सैड एंड डिप्रेस्ड, सैड एंड डिप्रेस्ड। अब देखो सैड एंड डिप्रेस्ड का मतलब क्या हो गया, हताश और परेशान, हिंदी क्या हो जाएगा, हताश या फिर परेशान, डाउन एंड द डंप्स। चलिए तीसरा वर्ड आपके पास में है डाउन द ड्रेन,
ट्रेन बर्ड का मतलब नहीं समझा तो ये बर्ड समझ में थोड़ा सा आपको नहीं आ रहा है, इससे पहले ट्रेन बर्ड। ऐसे देखिए आप लोग सुने होंगे ऐसे भी आता है ब्रेन ट्यूब, जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्या प्रतिभा प्लांट। हमारे देश से प्रतिभा दूसरे देशों में चली जाती है और उसके बाद हमारा जो देश हो जाता है बिना प्रतिभा का हो जाता है। तो ट्रेन का मतलब हो जाता है बिना, विदाउट कैसे उसमें। फिर आपने सुना होगा ड्रेनेज सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो नालियों से रिलेटेड हो, यानी नाली में अगर कोई चीज जाकर के नीचे भी गिर गया तो उम्मीद है कि उस नाली तक हमारा हाथ भी नहीं जाएगा जो हम उतना नीचे गिर के उठाएंगे। तो डाउन डाउन द ड्रेन का हिंदी हो जाता है वेस्टेड और लॉस्ट। मतलब साफ हो रहा है हिंदी आपको हमेशा के लिए खो देना, अब आपको वापस वो मिलने नहीं जा रहा। जैसे यहां से प्रतिभा जब प्लान कर जाती है तो हमेशा के लिए चली जाती है अमेरिका इंग्लैंड होके, तो हमेशा के लिए खो देना, हम उसे हमेशा के लिए खो देते हैं, एकदम से वो गिर गया हमारे हाथ से नाली में जाके नीचे ऐसा कुछ। तो जो डाउनवर्ड से हम लोगों को थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा था लॉकडाउन लॉकडाउन सुन करके, अब वो थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगने लगा होगा कि पिछले क्लास में आपने 5 फ्रेज पढ़ाए थे, आज 3 इडियम्स आपको मैंने बता दिए हैं, मजाक मजाक में याद रख सकते हैं तो याद रखें। और आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा सिंटेक्स का तीसरा क्लास होगा जो फाइनल क्लास होगा, उसके बाद आपको एक कंप्लीट सिंटेक्स पीडीएफ सॉल्यूशन का क्लास हमसे कराएंगे। तो चलिए तीसरे क्लास के लिए आप लोग अपने आप को रेडी और अपडेट रखिए, तब तक के लिए आपको हम लोग छोड़ते हैं आज की क्लास के लिए। सिस्टम